दोस्तों साइबर बुलिंग को लेके अनन्या पांडे ने जो है साइबर क्राइम ज्वाइन किया। जी हाँ, मुंबई पुलिस के साथ उन्होंने अपना हाथ जो बढ़ाया आगे और उन्होंने ज्वाइन किया साइबर क्राइम, ताकि लोगों को कहीं ना कहीं अवेयरनेस दे पाए, बता पाए कि साइबर बुलिंग कितनी बड़ी बात होती है। जी हाँ, किसी को जो है सरेआम सोशल मीडिया पे कमेंट करना और ऐसे कुछ कमेंट जो बिलो द बेल्ट जाके आपको हिट करे, वो बहुत ही गलत होता है। और हाल ही में हम जो है देख रहे हैं, स्पेशली जो पब्लिक फिगर होते हैं उनके साथ जो है वो बहुत ही ऐसी चीज़ें होती हैं, पब्लिक फिगर्स को स्पेशली टारगेट किया जाता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो ऐसे में ऑफकोर्स वो भी इंसान होते हैं, तो उनको ये अवेयरनेस क्रिएट करना और लोगों को बताना कहीं ना कहीं लोगों की मेंटालिटी को दर्शाता है। बट अनफॉर्चुनेटली सेलिब्रिटीज़ तो इसका हमेशा शिकार होते रहते हैं, वो उनके टारगेट लिस्ट पे होते हैं ट्रोलर्स के, इसीलिए आए दिन हम देखते हैं सेलिब्रिटीज सबसे ज़्यादा ट्रोल होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो है अनन्या पांडे काफ़ी यंग है और उनको भी स्टार्टिंग में इंडस्ट्री में कदम रखने पर काफ़ी ट्रोल किया गया था उनके स्ट्रगल पीरियड को लेकर। अनफॉर्चुनेटली वेल अनन्या ने तो इससे काफ़ी सपोर्टिंग ले लिया और वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख गई हैं। लेकिन आज ही उन्होंने जो है साइबर क्राइम के साथ उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया है और लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश की कि लोग इसे समझे और ये कितनी बड़ा क्राइम है इसके बारे में उनको पता चले। पर दोस्तों आप लोग मुझे बताओ आपको क्या कहना है इसके बारे में, और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।